आइए फ्रेंड एक नया कॉन्सेप्ट करते हैं, सॉर्टिनो रेशियो। सॉर्टिनो रेशियो मतलब क्या होता है? रिटर्न ऑफ फंड माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। रिटर्न ऑफ फंड माइनस रिस्क रिटर्न अपॉन में डाउनसाइड रिस्क अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डाउनसाइड रिस्क। ठीक है, तो आपने शार्पेज रेशियो पढ़ा, ट्रेनर्स रेशियो पढ़ा, जेंसन्स रेशियो पढ़ा, अब हमने एक नया कॉन्सेप्ट करा सॉर्टिनो रेशियो। यहां पर आप रफ में देखकर लिख सकते हैं व्हाट इज डाउनसाइड रिस्क। डाउनसाइड रिस्क मतलब क्या होता है? रिस्क मतलब क्या होता है? रिस्क मींस फ्लैक्चुएशंस, डेविएशन, फ्लैक्चुएशंस, डेविएशंस। ठीक है, डेविएशन दोनों साइड हो सकता है, हाई साइड भी और लो साइड भी। रिस्क दो प्रकार का हो सकता है, रिस्क गुड रिस्क भी हो सकता है और बैड रिस्क भी हो सकता है। ठीक है, गुड रिस्क से क्या मतलब है मेरा? रिस्क मतलब क्या होता है? फ्लैक्चुएशन। अगर हम एक एवरेज चार्ट लेंगे और यहां पर हम फ्लैक्चुएशंस को मेजर करेंगे, ठीक है, तो ये आपका फ्लैक्चुएशंस हो गया। सो यहां पर हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? ओनली बैड रिस्क कंसीडर कर रहे हैं। रिस्क तो दोनों साइड होता है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। रिस्क ज्यादा होगा तो रिटर्न भी ज्यादा होगा और रिस्क ज्यादा होगा तो लॉस भी ज्यादा होगा। यहां पर हम बैड रिस्क को कंसिडर कर रहे हैं, डाउनसाइड रिस्क को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, फाइन। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट एक नया कॉन्सेप्ट आया है आपके एफएससीएम में, एसएफएम में। हम लोग शार्पेज रेशियो पढ़ते हैं, ट्रेनर्स रेशियो पढ़ते हैं, जेंसन्स मेजर भी पढ़ते हैं, लेकिन सॉर्टिनो रेशियो वहां पर नहीं कवर है, लेकिन आने वाले सिलेबस में डेफिनेटली कवर हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट और आपके एफएससीएम में तो ये कवर है और इसके ऊपर इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस भी फ्रेम हो रहे हैं। सॉर्टिनो रेशियो, डाउनसाइड रिस्क कैलकुलेट करने का भी हमारे पास इंस्टीट्यूट ने कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया हुआ है। डाउनसाइड रिस्क जब भी कैलकुलेट करने के लिए इंस्टीट्यूट बोलेगा, हम वो भी आपको कर देंगे। ठीक है सर, तो सॉर्टिनो रेशियो रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड माइनस रिस्क रिटर्न अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डाउनसाइड रिस्क। ठीक है, फाइन। तो फ्रेंड्स, सॉर्टिनो रेशियो में इतना ही हमारी स्टडी में दिया हुआ है। आई होप एग्जाम में आएगा तो डेफिनेटली इस चीज को आप कर लेंगे। ठीक है सर, ग्रुप में जुड़े रहिएगा क्योंकि सारी चीजें, जो भी चीज चेंजेस हो रहे हैं, अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, वो सारी चीजें आपको ग्रुप में मिल जाएगी। और अभी तक का तो पूरा बैच अप टू डेटेड है, आपको अभी तक में कोई चेंजेस नहीं देखना है। जो भी चेंजेस आएगा मैं अपने आप आपको ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा और कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं है। एफएससीएम के लिए आपको जो मैं कह रहा हूं उससे बाहर आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है।